क्लास के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिए हुआ है मैंने। अभी हम लोग अगला स्टेप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? को से जरूरी नहीं है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही ले, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है राइट हैंड साइड से सोल्व होगा तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर लेते हैं। वन इज द सेम थिंग, वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। साइन ए माइनस दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। मैं इसी को आगे रेगुलेट कर देता हूं। इसको करते हैं डिवाइडिंग थ्रोट बाय डिवाइडिंग एवरी एलिमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाई साइन ए, ठीक है ना। डिवाइडिंग y साइन ए, हर एक पार्ट को साइन ए से डिवाइड करना हमें। अब जैसे अपने साइन ए से किए तो ये आ गया cos a ओवर साइन ए, प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस, माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस वन ओवर साइन ए ओवर cos a साइन प्लस साइन साइन माइनस वन ओवर साइन, ठीक है ना। हमने ये किया हर एक एलिमेंट्स को, हर एक पार्ट को साइन के साथ डिवाइड कर सकते। क्वेश्चन आता है कि क्यों किया? क्योंकि रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो बुक में भी आपको हिंट दिया हुआ है इस चीज के लिए, ओके। सो तो हमने एक आइडेंटिटी यूज करवानी है कोसेकेंट प्लस कोटेबल, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी देखते हैं कैसे बनती है। cos a ओवर sin a दैट इज इक्वल टू cot a, इसके आगे का मैंने यहां पर लिख दिया। sin a माइनस वन, वन ओवर sin a cosecant a ओवर cos a sin a cot a प्लस वन माइनस, सॉरी वन ओवर नहीं लिखेगा अब इसको भी cosecant a, ठीक है ना। यहां पे आप लोग जो जो चीज की है आप लोगों को यहां लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट साइन ए ओवर cos a या cos a ओवर साइन a इज इक्वल टू हाउ मच साइन ऑफ cot of थीटा यानी cot a। ऐसे cosecant a का वन ओवर साइन a इज इक्वल टू cosecant a, ओके। आफ्टर दैट अरेंजिंग करते हैं इनको, वन को अकेले रहने देते हैं बाकी को अरेंज करके देते हैं। ये आ गया cot a, यहां से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कोट चलो अच्छा cosecant a को यहां पे लिख देते हैं, cosecant a प्लस cot a, ये दोनों प्लस के हैं मैंने लग लिख दिए माइनस वन। फिर उसके बाद क्या लिखा? cot a माइनस cosecant a प्लस वन, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या की यूज? जैसे अगर मैं बोलूं आपको 3 प्लस 4 क्या होता है दैट इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 क्या होता है दैट इज आल्सो 7। आप इसको प्लस करो, सॉरी हां cot a प्लस cosecant a करो या cosecant a प्लस cot a करो बराबर है, परंतु साइन ही चेंज किया आपने क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट ही रखा तो cosecant a को मैं इधर ले गया। भाई 3 प्लस 4 करो या 4 प्लस 3 करो रिजल्टेंट आपके पास वही आएगा, मैं वो वाली, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका है, ठीक है ना, ये वाली यूज कर ली। अब ये क्या आ गया? सिमिलरली मैंने इसमें भी यही किया, वन को हमने अलग कर दिया। कारण क्या? वन को अलग करने का, ठीक है। मेरे पास क्या आ गई इसकी आइडेंटिटी? मेरे पास एक आइडेंटिटी आ जाती है दैट इज नोन एज, यहां पे हम लोग यूज कर देते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक में लिखा है कि यूजिंग cosecant square a इज इक्वल टू 1 प्लस cot square, तो यहां पे कर देते हैं ना हम लोग आइडेंटिटी यूज, इज इक्वल टू cosecant a प्लस cot a, अब ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस करके 1 को, 1 को क्या लिख सकते हो आप? cot square a माइनस cosecant, नहीं सॉरी cosecant square a cosecant square a माइनस cot square। ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आइडेंटिटी कहां से आई, मैं अभी आपको बताता हूं।
और ये किस लिए यूज की ये भी बता दीजिए आपको, ठीक है ना। मजा क्या नहीं, तो अगर आप लोगों को पता ना लगे कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सर, ठीक है ना, हर चीज का एक मतलब होता है। ये कहां से आए, ये क्यों लिखिए, एक आइडेंटिटी है आप लोगों के पास, दैट इज नोन एज, मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं उस आइडेंटिटी का नाम, बिकॉज यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज वी नो दैट कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी नंबर थ्री है, कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, यहां पे था वन, क्या था यहां पे, ये देख रहे ना वन, ये वन मैंने वन को क्या कह दिया, इसी आइडेंटिटी को मैंने ऐसे यूज कर दिया, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, यानी वन की जगह पे मैं इस फॉर्म को लिख सकता हूं। अब आपके दिमाग में आता है सर इस फॉर्म को क्यों लिखना, आप देख रहे हो कि यहां पे आपके पास कोट ए और कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए कोट ए यही में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहां पे वन की जगह पे ये आइडेंटिटी यूज की, इज इक्वल टू वन। बच्चों ने दिवाली लिखते लिखते ना बोर्ड को काफी कवर कर दिया हुआ है ये वन, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू, इस वन की जगह पे मैं ये कहीं पे भी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, वही मैंने यहां पे लिखा, माइनस को बाहर लिख दिया मैंने। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज ए कोसेकेंट स्क्वायर ए, नहीं सॉरी कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, माइनस को फिर मैंने बाहर ही रखा, माइनस कोसेकेंट ए प्लस कोट ए इंटू दो ब्रैकेट लगा दी, कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, आइडेंटिटी यूज कौन सी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे वही डिनोमिनेटर वही आ गया, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, हाँ आगे कॉमन, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, अगर मैं इसको कॉमन करूंगा तो ये बच जाएगा वन प्लस कोट ए माइनस, हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन हो गया, ये है कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, ये है कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, इनका मैंने ये बाहर लिख दिया, यानी कॉमन ले लिया, यहां पे बच गया वन, और इस ये मल्टीप्लाई है तो इसमें ए ही कॉमन आएगा, और इसमें लिख दिया आपने वन माइनस कोसेकेंट ए, अब बच गया क्या, ये तो बाहर आ गया कोसेकेंट ए, ये माइनस इंटू कोसेकेंट ए, इसको चलो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस कोट ए, ये एक स्टेप बढ़ जाएगा आपके पास और कुछ नहीं होगा, और ये आ गया कोट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन, ठीक है। अभी हम लोग इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, अभी इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए इंटू वन माइनस, माइनस को अंदर लेंगे कोसेकेंट ए माइनस का हो जाएगा कोट ए प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कोट ए माइनस कोसेकेंट ए, और नीचे वाले को सॉरी माइनस करेंगे तो माइनस कोसेकेंट और ये प्लस कोट ए, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, माइनस को जब हम खोलेंगे तो माइनस कोसेकेंट माइनस का होगा माइनस का लिख दिया, कोट प्लस का होगा ये प्लस का लिख दिया। अभी थोड़ा सा इसको भी रीअरेंज करते हैं, इसको भी ऐसे लिखते हैं वन प्लस कोट ए, यानी वन को मैं इधर ले आता हूं, जब आप लेफ्ट हैंड साइड के कंपोनेंट को ए कंपोनेंट को उठाते हो कोई दिक्कत नहीं होती,
ना प्लस माइनस कुछ चेंज नहीं करोगे क्योंकि आपने सिर्फ इनको रीअरेंज करके लिखा हुआ है। यही तरीका, 3 + 4 = 4 + 3, यानी ये भी 7 होगा ये भी 7 होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये है तो हम लोगों ने सिर्फ इसको अरेंज किया। जब आप ये करते तो ये इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा साथ। अगर ये कैंसिल हो गया बचा क्या, कोसेक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता है, परंतु फिर भी हमारे लिए हर एक क्वेश्चन जो है दैट इज ए इंपॉर्टेंट। इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस हेंस प्रूव्ड। हेंस का रिजल्ट भी लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड भी कर सकते हो। रिजल्ट का मतलब जो आपने रिजल्ट निकाला वो उसके साथ वेरीफाई हो गया, या हेंस प्रूव्ड जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्लियर हो गया? दिस इज द क्वेश्चन विच इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब अलग तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमने बिल्कुल हाथ चेंज किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि कोई अभी इसमें है कुछ कमी है या नहीं समझ आया, कहीं पे नहीं समझ आया, तो एक बार फिर वीडियो को रिमाइंड करके देखिए। रिमाइंड करने के बाद भी अगर नहीं पता लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है, मेरे को बताइए कि ये स्टेप कैसे किया, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और अगर ठीक है भाई जब कोई कमी बस रह जाता है कुछ किंतु परंतु रह जाती है तो हम लोग करेंगे उसको, मैं छोटा सा एक और वीडियो बना दूंगा। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ब्रेक के बाद।